ठीक हां रसूल साहब आज क्या है सिलसिला नेकी के सेगमेंट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खुतून हजरात हम सब बहुत सारी नेकियां करते हैं करने की कोशिश करते हैं कभी अतिया करके कभी सदका करके कभी खैरात करके कुछ नेकियां शायद बज़ाहिर नेकियों की फहरिस्त में इस मुआशरे में नहीं आती लेकिन शायद उनसे बड़ी नेकी और कोई हो नहीं सकती कि आप दो बिछड़े हुओं को मिलवा दें। यहाँ शाने रमज़ान के सेट पर गुज़श्ता बरसों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लम्हे आए जहाँ कई कई बरसों के बिछड़े हुए अपने उनके प्यारे शाने रमज़ान के सेट पर मिले और अल्हम्दुलिल्लाह उनका दुख उनकी तकलीफ खुशी में तब्दील हुई। मुझे याद है गुज़श्ता से पैवस्ता बरस हमने दो बेटों की माँ को यहाँ बुलाया था जो दोनों जुड़वा बेटे थे और लापता हो गए थे, न्यू कराची के वो ख़ानदान था, और यहाँ शाने रमज़ान में उनकी तस्वीर दिखाने के बाद उनके बारे में बताने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटे वापस अपने घर आ गए थे कुछ वसीलों से और फिर हमने गुज़श्ता बरस आपसे उनकी मुलाकात भी करवाई थी। सो हमेशा सिर्फ पैसे सिर्फ अतिया ही ज़रूरी नहीं होता, हमें ऐसे लोगों की भी मदद करनी है कि जिनके प्यारे जिनके अपने अब उनके साथ नहीं हैं। इस वक्त दो ख़ानदान हमारे दरमियान मौजूद हैं, एक ख़ानदान जिसके दो बेटे यानी दोनों बहनों के बेटे साथ कहीं एक दूसरे के साथ चले गए और एक ख़ानदान ऐसा कि जिनका एक बेटा लापता है। तो तीन बच्चों के हवाले से हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम जरा बात का आगाज़ करते हैं। जी ज़रूर। मोहम्मद अहमद उनकी वालिदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये कितना अरसा हुआ अहमद को लापता हुए? एक माह होने वाला है जी। एक माह होने वाला जी। है और क्या कर रहा था, कैसे गया, कहाँ गया? हाँ जी, घर से तो अच्छा खासा गया है और खुशी खुशी गया काम पे। हमने इसको पढ़ाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन बच्चा है नादान है अभी, तो फिर हमने इसको काम पे डाल दिया। लेकिन काम पे ना जिस दिन गया बहुत अच्छे तरीके से गया लेकिन शाम को वापिस नहीं आया। आज 24वां दिन है, हम बहुत परेशान हैं। यही कराची में या कहां? हाँ जी, वो फिर कराची से फोन आया तो भी मतलब आप लोगों की रहाइश कहाँ है? हम रहीम यार खान के रहीम यार खान से फोन कराची से आया। हाँ, हमने फिर इनको बुलाया चूंकि हमें फोन आया तो भी आप फौरन पहुंचे, फिर हम इधर। अभी ये बताएं कि जहर बच्चा है बेटा है घर पे आपके साथ होता है तो आपका दिल लगा रहता होगा जी? बहुत उसकी कमी हमें इतनी महसूस होती है कि हम बता नहीं सकते। क्या बात सबसे ज्यादा याद आती है? बहुत उसकी एक एक बात याद आती है, वो मेरे अपने बच्चों से ज्यादा मुझसे प्यार करता था, मेरा बहुत कहना मानता था मुझे, दोबारा तक कुछ भी कह दूं वो फौरन आता था कि हाँ जी अम्मी जी, हाँ जी मुझे अम्मी अम्मी कह के। मैं अपने बेटों पे इतना इत्मीनान नहीं करती थी जितने अहमद पे करती थी। और एक माँ का दिल तो बहुत खदशे भी आते हैं ना, अल्लाह रहम करे ठीक हो खैरियत से हो, पता नहीं रोटी खाई होगी नहीं खाई होगी। बिल्कुल हमारा खाना पीना छूट गया, हम किसी को बता नहीं सकते। जब भी कोई अच्छी चीज खाते हमने कहे अहमद के लिए भी रखो, ऐसे लगता है जैसे इधर से भी आ जाएगा इधर से भी आ जाएगा। चलिए अल्लाह उसकी तस्वीर अगर हम दिखा सकें तो ज़रूर, अगर वसीम साहब आप जी के वाले साहब लाए हैं तस्वीर, ये अगर दिखा सकें इस कैमरे में दिखा रहे हैं। ये अभी ताज़ा तस्वीर है बिल्कुल, साल पुरानी। हम वो भूखी मस्जिद गए थे उधर उसकी खींची थी तस्वीर। अच्छा ये साल पुरानी। हाँ जी। और ये माशाल्लाह उम्र क्या है इसकी? उम्र है इसकी 13-14 साल। अब तो माशाल्लाह आपके साथ खड़ा हो गया ना बिल्कुल, कंधे से कंधा मिला के। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये तस्वीर बिल्कुल दिखाइए हम जरा दूसरी फैमिली की तरफ भी। जी जी जरूर, अगर चलें तो। अरमान है उनकी वालिदा और वालिद और हमारे साथ मीज़ान एक बच्चा, उनकी वालिदा मौजूद हैं और दोनों आपस में बहनें हैं। अब आप देखें बहनों का दुख के दोनों बच्चे इनके, दो बहनों के दो बच्चे, दोनों बच्चे एक दूसरे। अच्छा, के साथ एक साथ ही किसी एक साथ चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या एज है अब आपके बेटे की, मतलब आपके बेटे की क्या उम्र है? 9 साल का हो गया। 9 साल का हो गया। कितना अरसा हो गया उसे घर से निकले हुए? जी कितना कितना वक्त हो गया उसे घर से गए हुए? अभी जुमेरात से। जुमेरात से घूमे तो कोई पता चला आपको उसका कोई रब्ता हुआ किसी तरह की कोई उम्मीद? पता चला कि वो पंजाब से एक बंदा डॉक्टर बोलते हैं, क्या नाम है मुझे ये नहीं पता। तो आपकी बहन का बेटा भी साथ ही है? दोनों। आपके बेटे का नाम है मीज़ान जी और इनके बेटे का नाम है अरमान, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके शौहर? मेरा शौहर नहीं है। नहीं है तो अभी आपका बेटा जाहिर आपका सहारा है आपका बच्चा? मेरा बेटा, तीन बेटा है तो लोगों के बच्चे स्कूल पढ़ रहे, मेरे बच्चे कमाने जाते, मैं खुद घर में मदरसे की तालीम देती हूँ बच्चों को, छोटा सा दुकान है मेरी, यही है।
पर ना मेरे को शोहर का सुख मिला ना मेरे बच्चों को बाप का सुख मिला जिंदगी में। चार दीवारी नहीं है, बच्चों को लेके उधर ही बाहर ही सो जाती हूँ। एक कमरा बना हुआ मेरी चार दीवारी नहीं है, चार दीवारी भी नहीं, नहीं। तो ये मेरा छोटा बेटा है जो खो गया है, बाकी दो बेटा है वो पढ़ाई की जगह में काम करने के लिए बेटा खो गया है। उसके बारे में कुछ पता चला कुछ? अगेन एक माँ तो जिस टाइम मैंने उनसे भी पूछा यही परेशानी होती होगी, यही परेशानी है कि मेरे बांझे लोगों ने भाग दौड़ किया, मेरा तो कोई भाग दौड़ करने वाला भी नहीं है। इन लोगों को खबर मिली कि पंजाब में पहुँच गए बच्चे, वहाँ से डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया। मैं निकली नहीं हूँ घर से कि मेरी हिम्मत खत्म हो गई। उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? अब आलम यह है ज़िंदगी का, हालात का, कि तस्वीर तक नहीं है बच्चों की, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। घर से निकले नहीं हूँ, जो कुछ भी खबर मिले इन लोग को मिले, तो ये लोग भी नहीं, इन लोग को भी खबर नहीं मिलते, मुझे भी नहीं मिलते। सोचती क्या है, कहाँ होगा इस वक्त? इस वक्त ये खबर मिले कि एयर न्यूज़ वालों के हवाले कर दिए गए बच्चे, तो मिल जाएंगे, ये दिलासा दे रहे हैं। आपका दिल क्या कहता है? पर मिल जाएंगे तो बस, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। वाकई बहुत बड़ा बादशाह है। तो बस खातून हज़रात, ये इस सेगमेंट में आपसे बात करने का, इस सेगमेंट में ऐसे ख़ानदानों को आपसे मिलवाने का मकसद यही है कि हम हर तरह से ख्याल करें एक दूसरे का। हम कोशिश करें कि सिर्फ हम सोचते हैं बस हमने रकम दे दी, ज़कात दे दी तो हमारा काम ख़त्म हो गया। एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे की खुशियां हम किस तरह से लौटा सकते हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं, दुख की किस घड़ी में उसके साथ खड़ा रहकर उसको ये यकीन दिला सकते हैं कि हम साथ हैं आपके। आपने तस्वीर देखी मोहम्मद अहमद की भी? जी हाँ। और अरमान और मीज़ान, ये दोनों एक ही उम्र के तकरीबन बच्चे हैं जो इस वक्त गुम हैं। तो हमने इस, आप भी आए ना साथ यहाँ पे? जी जी, मैं तो बात तो बहुत संजीदा है, लेकिन हमने कुछ ऐसे बंदगाने खुदा के तवस्सुत से मोहम्मद अहमद के हवाले से कुछ अच्छी खबर है, वो अल्लाह करे हम इनसे अगर शेयर कर सकें तो आप ज़रा गुफ्तगू कीजिए उनसे, मज़ीद पूछें क्या बच्चा क्या कर रहा है इस वक्त और क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये तस्वीर माजी, ये कब की है, कितनी पुरानी तस्वीर है? एक साल पुरानी। किस जगह पर गया था ये? भूंकी मस्जिद पे हम गए थे। माइक ले लेंगे बाबा जी, आप माइक। ये भूंकी मस्जिद पे गए थे तो वहाँ खींची थी। ये रहीम यार खान की है ये मस्जिद? हाँ जी। माइक में बोलिए। भूंकी मस्जिद की है, भूंकी मस्जिद। अच्छा, सही है। आपको आखिरी क्या ये बताकर गया था कि कहाँ जा रहा हूँ? कुछ भी नहीं बताया, अच्छा खासा खुशी खुशी गया है चंदा, कोई नहीं। हाँ, मैंने कहा काम करता था। क्या काम करता? माइक यही होना चाहिए। हाँ जी, यही है मेरे बेटा, यही है। हाँ जी, आगे आगे कुछ नहीं ने आपको कुछ कहा था तो आप चले गए हो, कितनी बुरी बात है। चले आप शिकवे गिले कुछ नहीं, बस प्यार से मोहब्बत से चलो, वालिदा से भी मिलो शाबाश पैरों में बैठ के, जिंदाबाद। तो बहुत अच्छा बच्चा है भाई, जिंदाबाद। चलो आप अब्बा के पास बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। हमारे जनाब एक कैमरामैन हैं नदीम साहब, और मैं बस बताना ये मकसूद था कि उन्हें ये बच्चा मिला, उन्होंने फिर इसको अपने पास रखा बहिफाजत, हमें मुत्तला किया, फिर हमने इनके ख़ानदान वालों को रहीम यार खान में ढूंढा, और ढूंढने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक बच्चे को कम से कम उसके माँ बाप से मिलवा दिया है। तो मैं समझता हूँ ये क्रेडिट नदीम भाई को जाता है, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। तो ये अपना अपना रोल है जो हम सब प्ले कर सकते हैं, और इसी तरह बस ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि अब, क्योंकि इस घर में तो दोहरी मुसीबत है जी हाँ, और अब यहाँ ये देखकर इनका अरमान और बढ़ गया होगा कि हमारा भी कोई सूरत है। हाँ नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप जरा जी संभाले ना ये। हाँ, ये आप लोग को तकरीबन
कितना अरसा हुआ है कि ये दोनों बच्चे? मैं रात से बच्चा गायब हो गया। और क्या कह के गया था बच्चा? बोल के गया, आपने तो कुछ नहीं बोला। दोनों साथ गए थे? हाँ दोनों साथ गया था। उम्रें क्या है दोनों की? तकरीबन 9 साल दोनों दोस्त हैं। दोनों एक साथ में तो क्या कहीं खेलने गए थे, क्या कहकर गए थे? खेलते खेलते अचानक जो है ना अलियासगढ़ से जो है ना अलीगढ़ आई, अलीगढ़ से जो है ना अचानक बच्चा लापता हो गया। तो रात मैं बोला किधर भी खेल रहे होंगे, हाँ तो सुबह आ जाएगा। रात में खाला के घर में भी जाके रह जाता था, मीज़ान जो है वो ताले बेले में इकरा की। तो सुबह हो गया, रात को तो इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, इतनी रो रही है। मैंने फिर बर्दाश्त किया अपने हिम्मत किए, तो कहीं भी ये जाते हैं ना तो बच्चे को अपने कहीं ऐलान कराया, कहीं कुछ कहलवाया आपने? नहीं, मैंने किसी जो चलो भाई आप भी, मैं तो अपनी अम्मा से भाग जाओ, शाबाश। मैं इससे बड़ा प्यार करता है इस दुनिया में, मेरा माँ बाप भाई बहन कहीं नहीं, कोई नहीं। तो चार बच्चे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत चीज़ की बात बोलते थे। मैं बोला नहीं, मेरा बच्चे है, मैं जिस दिन मर जाऊँगा ये चार बच्चे मेरे को जाना जा उठाएगा। मेरे माँ बाप भाई बहन 1971 के जंग में मारा गया, मैंने कभी इन लोगों ने नहीं बताया, आज खुल के बता रहा हूँ। अच्छा, आज ये दुनिया जो मेरे ये हवालात है इसको मैं नहीं देखता, मेरा दिल फट जाते। ये मदरसे से आके ना अबू मुझे 10 रुपये दो, तो वह कुत्ता पाला, कुत्ते भी किसी ने मार दिया था दो महीने, मुझे कुत्ते के लिए 10 रुपये दो रहा। वो कुत्ते आके मेरा पाँव पकड़ लेता, आज 2 महीने पहले पता नहीं ऐसे गायब हो गया। कलीजी फट जब जा मैं घर में आऊँ, मैं मिजान को पूछता बैठा तो कुत्ता किसी जगह में देखा, और कुत्ता मुझे इतना प्यार मुझे दिया। चलो बाबा से भी मिलो, शाबाश। आ जाओ। कहाँ चले गए थे? शाबाश, इतने प्यारे बच्चे, कल मैंने दोस्ती भी कर ली थी इनसे जब ये मुझे मिले तो। ये तो कभी घर के बाहर नहीं निकले थी, एक रात भी मेरा बेघर नहीं है जी, पता नहीं चला कहाँ से। अब तसल्ली हो गई आपको? ठीक है, तुम खुश हो जी? अच्छा लग रहा है अम्मी से मिलके? और जब अम्मी से दूर थे तो क्या सोच रहे थे कि मैं मिलूंगा अम्मी से या नहीं? डर लग रहा था तुम्हें? कल भी डर लग रहा था है ना? अब आपकी अम्मी भी साथ हैं, आपके अबू भी साथ, और अब दोबारा घर से बाहर नहीं निकलना गंदे बच्चे, ठीक है? शाबाश जी बहन, आप खुश हैं जी? खुश ठीक है माशाल्लाह। अभी अल्लाह करे आपके बेटे आपका सहारा है। और ये बस क्यों चले गए थे घर से? किस दिन रवाना हुआ है घर से? ये पहले रोजे को, पहले रोजे को बोलता अम्मी मैं बात नहीं सुनूंगा तो आप मुझे मारोगी, मैं पढ़ाई नहीं करेंगे तो मारोगी, मजाक कर रहे थे। मजाक करते करते बच्चा गया उनके पास, अपने कजन के पास, बाद में पता चला दोनों बच्चे गायब हैं। चलिए आज आपकी औलाद आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन ये भी जिस बंदे खुदा को मिले उसने हमसे रابطہ किया और हमने इनकी फैमिली को ढूंढ के। तो खातिन हजरात बस ये छोटी सी काविश हमारी जानिब से एक एग्ज़ाम्पल, ये काम आप भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकते हैं। हम हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि जिनमें हम थोड़ी सी एफर्ट से, थोड़ी सी कोशिश से किसी की ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये इसका बड़ा मुस्बत इस्तेमाल हो सकता है कि आप कोई वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं, कोई आपको इस तरह गुमशुदा बच्चा मिलता है, यानी बहुत सारे तरीके से काम हो सकते हैं। हम आमतौर पर ऐसी चीज़ों से भाग रहे होते हैं, फर्स्ट करें कि बच्चा मिला तो यार इस मसले में नहीं पड़ना, कोई जख्मी हो गया तो यार नहीं पुलिस केस बन जाएगा, छोड़ो। तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा हौसला कि आपके एक अमल से एक माँ की ज़िंदगी बदल सकती है, एक माँ की ज़िंदगी बन सकती है, एक माँ बाप को उनके जिगर का टुकड़ा मिल सकता है। तो हम सब ने अपने अपने तौर पर अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी है कि हम किसी की भलाई, किसी की मदद किस अंदाज़ में कर सकते हैं। सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सदका खैरात और अतिया ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ी सी हिम्मत करके भी किसी की मदद कर सकते हैं, और यही आज के नेकी सेगमेंट का पैगाम है। और ये इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती थी कि आज एक बूढ़ा बाप, एक माँ, दो माएँ, एक बाप, ये इतने परेशान आए थे और ये इनकी सबकी आंखों में अब खुशी के आंसू हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं और इनमें बच्चों के लिए भी सबक है
کہ دیکھیں وقتی طور پہ آپ ناراض ہو کر کسی ڈر سے کسی وجہ سے گھر سے باہر چلے تو جاتے ہیں, لیکن ان بچوں پر پھر جو گزرتی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. نہ ان کو گھر ملتا ہے, نہ ان کو کھانے کو ملتا ہے, برے برے لوگ, گندے گندے لوگ, کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. نہ امی نہ ابو, پھر سب بچے بعد میں روتے ہیں کہ ہمیں اپنے امی ابو سے ملنا ہے. تو بچوں کے لیے بھی آج کے اس نیکی سیگمنٹ میں ایک سبق ہے. جزاک اللہ جی, بہت زبردست اقرار صاحب, پوری ٹیم جو جس کیمرہ مین نے ہیلپ کیے سب کا شاندار کام. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ, اور ہم انہیں اچھی خبروں کے ساتھ آج اپنے اس نیکی سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں الحمدللہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اپنے سیگمنٹ شان علم کے ساتھ.